गुड मॉर्निंग बीएससी फर्स्ट ईयर ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी केमिस्ट्री फाइल बन रही है, तो आप लोग की सबसे पहली समस्या ये होगी केमिस्ट्री फाइल को कैसे बनाएं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि केमिस्ट्री फाइल के रिकॉर्ड को आप कैसे अपने प्रैक्टिकल को अपने रिकॉर्ड कॉपी में लिखें। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में गलती होती है तो उससे टीचर लाल पेन तुरंत लगाता है, जिससे आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और आपके प्रैक्टिकल वाइवा दोनों पर असर होता है। तो आज हम देखेंगे कि आपको बेसिक, इस वीडियो में केवल बेसिक आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को लेते हैं और यहाँ पे होता है इंडेक्स कि अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको सबसे पहले इंडेक्स में लिखेंगे, उसके बाद हम उसे प्रैक्टिकल में आगे लिखते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अपना बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ का आपको एनालिसिस या प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है तो उसके बारे में आप कुछ बेसिक पहले लिखेंगे अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। जैसे कि अगर आपको सबसे पहले केमिकल एनालिसिस करवाया जा रहा है तो उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे बेसिक। जैसे कि आपको पहले बेसिक लिखना है, जैसे कि आपको पहले केमिकल एनालिसिस करवाया जा रहा है, आपका पहला मतलब कि एक्सपेरिमेंट केमिकल एनालिसिस का होगा, तो आप सबसे पहले उसके बारे में बेसिक लिखेंगे कि वो केमिकल एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं और उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वालिटेटिव एनालिसिस करवाया जाएगा और क्वांटिटेटिव दोनों करवाया जाएगा। क्वालिटेटिव में आपको इनऑर्गेनिक मिक्सचर का एनालिसिस भी करवाया जाएगा, ऑर्गेनिक मिक्सचर कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन भी करवाया जाएगा, और क्वालिटेटिव में आपको उसके पार्ट्स लिखेंगे लेकिन आपको इसमें सभी नहीं करवाए जाएंगे, उनमें से केवल वॉल्यूमेट्रिक करवाया जाएगा जिसमें एसिड बेस आपका टाइट्रेशन होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा, और बस इन्हीं दोनों टाइट्रेशन में आपको करवाया जाएगा। और आपका जैसे पहला केमिकल एनालिसिस है तो उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे। जैसे पहले केमिकल एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में आप कुछ लिखेंगे और उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में भी कुछ लिखेंगे। बेसिक क्यों लिखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और उसके बाद आपको केमिकल एक्सपेरिमेंट में जिन जिन पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, जिन जिन ग्लासवेयर्स का यूज़ किया जाता है, उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखना होगा। जैसे कि हमारा ये मेजरिंग फ्लास्क का यूज़ किया जाता है, कोनिकल फ्लास्क का यूज़ किया जाता है, ब्यूरेट का यूज़ होता है, पीपेट का यूज़ होता है, ब्यूरेट स्टैंड का यूज़ होता है, टेस्ट ट्यूब का यूज़ होता है और मेजरिंग फ्लास्क का यूज़ होता है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको अपने रिकॉर्ड कॉपी में लिखना होता है। और उसके बाद अगर आपका सबसे पहले केमिकल एनालिसिस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करवाया जा रहा है तो आपको पहले उसके बारे में कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में होता क्या है और इसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि इनमें क्या क्या किन किन चीज़ों को किन किन ग्लासवेयर्स की ज़रूरत होती है, कंपाउंड्स के बारे में लिखना है और कुछ उनके एग्जांपल्स लिखने हैं, इंडिकेटर्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होते हैं तो उनके बारे में आपको लिखना होगा। और उसके बाद अगर जैसे इंडिकेटर्स आप लिख रहे हैं तो इंडिकेटर्स यूज़ होता है और उनके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कंपाउंड होते हैं तो उनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं इस पेज में, ब्लैंक पेज में, और उनके कुछ नाम लिखने होते हैं। जैसे इंटरनल इंडिकेटर के रूप में हमारे में यूज़ होता है फिनोप्थिलीन, तो उसका कलर जो होता है एसिड का ये कलरलेस होता है और ये बाद में जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है तो ये पिंक में बदल जाता है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है और डायग्राम स्ट्रक्चर बना के लिखना है। सेल्फ इंडिकेटर के बारे में भी स्ट्रक्चर बनाना होगा और एक्सटर्नल इंडिकेटर के बारे में भी स्ट्रक्चर बनाना होता है। और इंडिकेटर्स लिखने के बाद ये आपकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं। उसके बाद अगर जैसे आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पहला एक्सपेरिमेंट होता है तो आप उसके बारे में कुछ लिखेंगे। जैसे कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव लिखना होता है कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है और आपको उसमें से क्या निकालना होगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो हमें करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप अपनी फाइल के बेसिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, बेसिक इंट्रो कैसे अपने कॉपी का करेंगे, उसे आप देख लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पीडीएफ का। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।